नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं अलंकार लेकर आया हूँ। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, आइए ये समझते हैं। अलंकार जिस प्रकार स्त्री स्त्रियों की शोभा आभूषणों, गहनों से, श्रृंगार से, सजावट से बढ़ती है, यानी कि अगर कोई महिला है, अगर वो गहनों से अपने आप को सजा ली है, श्रृंगार करके सजा ली है, तो उसकी रूप की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है, यानी कि जो कविता होती है, जो गीत होता है, जो पंक्तियां होती हैं, तो ये सब की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। किसी स्त्री की शोभा उसके गहने से बढ़ती है, ठीक है ना। किसी स्त्री या स्त्रियों की शोभा किससे बढ़ती है, उसके गहने से बढ़ती है, उसका आभूषण से बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, यानी काव्य की शोभा जो बढ़ाएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ही तत्व अलंकार कहलाते हैं। आइए देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार तीन प्रकार के होता है, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा अभया अलंकार। पहला देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला है शब्द अलंकार क्या होता है, आइए जानते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है। शब्दों के इस्तेमाल से, शब्दों के प्रयोग से जब किसी कविता में पंक्तियों को सुंदर, जब किसी कविता में पंक्तियों को सुंदर बनाया जाता है, तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। हमने क्या समझा कि शब्दों के इस्तेमाल से, हम अपने शब्दों के इस्तेमाल से किसी भी कविता की पंक्तियों को हम सुंदर अगर बना देते हैं, उस शब्द को डालकर, तो उसी को हम कहते हैं शब्द अलंकार। यानी शब्दों के इस्तेमाल से जब किसी कविता में पंक्तियों को सुंदर बनाया जाता है, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। या तो हम यूं समझें कि जहां शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में अगर किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे कविता में जान आ जाती है, कविता में चमत्कार हो जाता है, उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, देखिए उदाहरण, ठीक है। तो यहां तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, तो इस तरह से हमारे ये हो गए उदाहरण, ठीक है, ये हमारे शब्द अलंकार हो गया। आइए देखते हैं शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार तीन भागों में बांटा गया है, तीन भाग इनके हैं, तीन पार्ट है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अनु, दूसरा प्रास, ठीक है। अनु का अर्थ बार बार तथा प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराया जाए, आवृत्ति मतलब दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, बार बार दोहराया जाए वाक्य में, लाइन में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति, उदाहरण समझते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारु मतलब सुंदर, चंद्र चंद्रमा, चंचल मंद शरारती, यानी कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। या च च च शब्द वर्ण बार बार आया कि नहीं आया है, च च च, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस अलंकार में कहीं वर्ड च का बार बार प्रयोग हुआ है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, तो ल ल शब्द बार में बार बार आया कि नहीं, देखिए ल ल ल, इसलिए जहां पर वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर हम अनुप्रास अलंकार समझते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष मतलब चिपकाना, श्लेष मतलब क्या होता है, पेस्ट कर देना, चिपकाना। जहां एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ बदल जाए, अर्थ बदल जाए, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकाना, यानी कि जहां एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग चिपकाए, अर्थ अलग अलग दे, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी मतलब इज्जत, पानी मतलब जल, पानी मतलब होता है मोती की चमक,
पानी गए न उबरे मोती मानुष्य बिना बिना पानी का मोती की चमक नहीं हो सकती है। तो रही मैंने पानी राखी, बिन पानी शब्द, देखिए पानी 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 शब्द बार बार आ, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग चिपकाया जा रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, श्लेष अलंकार समाप्त हुआ। ये यमक अलंकार देखते, तीसरा यमक अलंकार, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जब कविता में एक ही शब्द बार बार आए, दो से अधिक बार आए, तो उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार कहते हैं। वहां पर क्या होता है हमारा, यमक अलंकार होता है। जब कविता में एक ही शब्द हो, जब कविता में एक ही शब्द हो, एक ही शब्द, जब कविता में एक ही शब्द दो बार, दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से, जब कविता में, ध्यान से सुनिएगा, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार हर बार भिन्न हो, अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। आइए उदाहरण समझते हैं कि काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक वृंद खिले। तो यहां घटा का मतलब हो गया बादल, एक घटा का मतलब होता है कम, कहते नहीं भैया पानी घट गया, नभ में घटा छाया है, यानी आकाश में बादल छा गए हैं। तो यहां पर काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, तो यहां पर घटा कम है, घटा मतलब बादल, तो यहां पर देखिए घटा दो बार शब्द आया है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग दे रहा है। कहे कभी बेनी बेनी प्याल की चुराए लेनी, तो कभी एक बेनी का नाम है, कभी बेनी प्रसाद थे, और एक बेनी कौन है, चोटी को कहा गया है, ठीक, अलग अलग शब्द आ रहा है। घटा घटा बेनी बेनी बार बार शब्द आए हैं, इसलिए ये हमारे क्या है, यमक अलंकार है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आइए अब देखते हैं पार्ट टू, अर्था अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा होता है, जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा होता है, उसे अर्था अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्था अलंकार, यानी जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सुंदरता आ जाए, कविता में सौंदर्य पैदा हो जाए, उसे अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकार के मुख्य भेद देखिए, मुख्य पाठ देखिए, कितने भागों में अर्था अलंकार बांटा गया है। अर्था अलंकार 8 भागों में बांटा गया है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांति अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार। आइए समझते हैं पहला उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है तुलना, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो होता है कंपेयर, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, वहां उपमा अलंकार पैदा हो जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब तुलना, जब हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करें या किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करें, वहां उपमा अलंकार होता है। या तो यूं समझे कि जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है देख लेते हैं इसी लाइन में, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति से तुलना करेंगे या जिस वस्तु से तुलना करेंगे, तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिसकी तुलना हम जिससे करेंगे, वो हमारा क्या है, उपमेय। उपमान क्या होता है, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, उपमेय की तुलना, यानी कि उपमेय की तुलना जिससे हम करेंगे वो हमारा हो गया उपमान, और जिस व्यक्ति जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। यानी कि अगर हम किसी, हमने कहा राम बहुत सुंदर है, तो राम उपमेय हो गया, लेकिन हमने कहा कि राम श्याम से सुंदर है, तो यहां तुलना किया गया तो श्याम हमारा उपमान हो जाएगा। वाचक शब्द क्या है, देखिए उपमा अलंकार में सबसे आसान तरीका समझने का या पहचानने का, सा सी से सरिस सब सस सम, ये शब्द लगा रहेगा। जैसे देखिए उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस शब्द आया है, इसलिए यहां पर क्या है हमारा, उपमा अलंकार है, ठीक है। आइए रूपक अलंकार देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें योजक चिन्ह के बाद सासी से जैसे शब्द नहीं लगे होते हैं, ठीक है। देखिए बीत विभावरी जागरी, यहां आप देखिए आया अंबर पनघट के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तारा घट के बीच में योजक चिन्ह, उषा नागरी के बीच में लगा है, जैसे उदित उदयागिरी, गिरी उदय और गिरी के बीच में पर्वत के समान, उदयांचल पर्वत के समान, या बीच में देखिए लगा, मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल के बीच में लगा है,
बिकसे संत सरोज हर से लोचन वृंग के बीच में लगा है, युजक चिन्ह है, यह हमारा यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। आइए देखते हैं आगे, उत्पेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए वहां उत्पेक्षा अलंकार होता है। विशेष पहचान, जनु जानो मनुमानो, मनुमानो जनहु वाचक शब्द होते हैं, इन्हीं से पहचाना जाता है। जहां जनहु मनहु मनो मनुमानो मानहु जनु जानो जनहु शब्द लगा देकर उसे उत्पेक्षा अलंकार कहते हैं। है, आइए उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़ पीट पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल परात पु प्रयोग प्रभात। देखिए मानो शब्द आया ना, ये हमारा हो गया उत्पेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वो व्यक्ति उतना ना हो, उस तरह ना हो, लेकिन उसके बारे में अगर प्रशंसा की जाए, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें की जाए, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रावण ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। देखिए दिए गए उदाहरण में चेतक घोड़े की शक्तियों स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा था। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जैसे मैं कहूँगा कि वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से नदियाँ बहने लगी। बताइए क्या किसी के रोने से नदी बह सकती है? नहीं। इसमें हमने बता चढ़ा के कहा कि वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से नदी बहने लगी, तो ये हमारा क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, समझ आ गया आपको। मानवीय अलंकार देखते हैं, पर्सनिफिकेशन, परिभाषा देखिए, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्राकृतिक, जैसे अगर हम कहेंगे फूल हंस रहा है तो बताइए क्या फूल हंस सकता है? नहीं। हंसने की क्रिया कौन करता है? मानव करता है, आदमी करता है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलिया मुस्कुराई, बताइए आदमी मुस्कुराता है ना, आदमी हंसता है ना, फूल कभी हंसता है? कलियां कभी हंसती हैं? नहीं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक चीज मानव की क्रिया करे तो वहां पर मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है, जो मनुष्य करते हैं अतः मानवीय अलंकार है। ठीक है, हंसने का काम मनुष्य करता है। भ्रांतिमान अलंकार, परिभाषा, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तब वहां पर भ्रांति अलंकार होता है। भ्रांति मतलब भ्रम पैदा हो जाए, अर्थात जहां पर एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रम पैदा हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए किसी चीज को देखकर, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, भ्रांति अलंकार में इतनी समानता होती है कि दोनों वस्तुओं में की स्वाभाविक रूप से भ्रम पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु समझ ली जाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझ लेंगे हम। जैसे देखिए, फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागे, अब फूल ले देख पलाश वन समूहे समझ दवागी। पलाश के फूल बहुत ही लाल होते हैं, उसी को देखकर कोई नया पथिक राहगीर यह समझता है कि जंगल में आग लगा है और वहां से भाग जाता है, जहां पर उसे भ्रम हो जाता है, क्योंकि जंगल में पलाश के फूल जो होते हैं वो बहुत ही लाल होते हैं, लेकिन जो नया आदमी नहीं जानता है वह उसे देखकर सोचता है जंगल में आग लगे। देखिए अब भ्रम पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। संदेह अलंकार देखिए, संदेह, डाउट, जहां उपमेय में उपमान के संशय का अभास हो अर्थात किसी वस्तु को देखकर निश्चय ना हो पाना, डिफिनेट ना हो पाना, निश्चय न कर पाना, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह में तो डाउट हो जाना, यार ये वही है कि कोई और है, तो इस तरह का अगर भाव आपके मन में आ रहा है तो संदेह करना, कहते नहीं भैया संदेह आपको हो गया है, तो संदेह आपको नहीं करना है भाई। संदेह अलंकार यानी कि डाउट हो जाना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सुनील सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे यार सुनील सर की आवाज तो नहीं है, तो यहां पर आपको संदेह पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ, तो यही आपको संदेह अलंकार बताता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए यहां पर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि सारी बीच नारी है, नारी के बीच सारी की नारी के बीच में सारी है, तो यहां पर संदेह अलंकार पैदा हो रहा है। ठीक है, संदेह। आइए विरोधाभास अलंकार देखते हैं, जहां दो वस्तुओं में मूलतः विरोध ना होने पर भी विरोध होके आभास का वर्णन हो जाए, विरोध ना पैदा हो लेकिन फिर भी विरोध हो जाए दो वस्तुओं के बीच में,
तो वहां विरोधा भास अलंकार होता है, अर्थात विरोध प्रतीत हो तो किंतु वास्तव में वह विरोध न होकर केवल उसका आभास ही हो तो वहां विरोधा अलंकार विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार देखिए, जल उठे फिर सींचने को, जल के उठने की बात कही गई है जबकि जल की प्रगति बहाने की है। बताइए, जल सींचा नहीं जाता है, जल उठने, जल उठता है, जल बहने की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, बताइए पत्थर कभी यहां पे देखिए विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात कही, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पत्थर का जो स्वभाव है वो कठोरता है, कठोर है, पत्थर कभी मुलायम नहीं होता है। जल उठे फिर सींचने को, जल कभी भी उठता नहीं है, वो बहता रहता है। जल के उठने की बात कही गई जबकि जल क्या है, प्रकृति बहने की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विरोधाभास अलंकार होता है समाप्त। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये पाठ अलंकार समझ में आ गया होगा, अर्थालंकार शब्द अलंकार समझ में आ गया होगा।